क्रेडिटर्स में? ना सांडी डेटर्स क्रेडिटर्स में, तो उसका तो अकाउंट ऐसे ही बनता है। एक्सपेंसेस का अगर आउटस्टैंडिंग और वो रहता है तो कैसे हैंडल करेंगे, तब उसके लिए दिखाने के लिए मैंने वो अकाउंट दिखाया। डेटर्स का क्रेडिटर्स का अकाउंट तो आप लोग करते ही है, तो उसमें न्यू अच्छा न्यू क्या है आपके लिए? नेक्स्ट लास्ट क्लास में न्यू था वो एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके सर, ओके चलिए स्टार्ट सर करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका था, अब उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में एसेट एंड लाइबिलिटी का फिगर क्या क्या दिया है? फर्नीचर स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया क्यों मैंने अकाउंट कराया था। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश ट्रांजेक्शन क्या बोला है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 2.5%। इसका मतलब क्या है बेटा? ये जो रिसीव हुआ है 3,50,000 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 2.5%, मतलब इस इंफॉर्मेशन से, इस ब्रैकेट वाले इंफॉर्मेशन से मुझे डिस्काउंट अलाउड का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यस और नो? यस सेम। आपको जो बिल मिला है वो आपने क्या किया है? वो आपने डिस्काउंट किया है, डिस्काउंट किया है। ये बिल डिस्काउंट करने से आपको 36,750 आया है, तो कितना का बिल आपने डिस्काउंट किया है वो मिल जाएगा, एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आपको मिल जाएगा। सेम वे पेड टू क्रेडिटर्स डिस्काउंट एट 2%। तो ये पेड टू क्रेडिटर डिस्काउंट एट 2%, उससे डिस्काउंट रिसीव का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फ्रेट इनवर्ट दिया है, ड्रॉइंग्स दिया है, फर्नीचर परचेज दिया है, 4% इन्वेस्टमेंट परचेज। इसका मतलब है शायद आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है जिसका वैल्यू है 4% इंटरेस्ट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट आपको 4% इंटरेस्ट देगा और आप उसको परचेस किए हैं 96 में। इसका मतलब है 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट 96 में परचेस किया है, तो 57,600 इज अ कॉस्ट प्राइस, तो उससे मैं उसका नॉमिनल वैल्यू बा फेस वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट जो परचेस कर रहा हूं उसका प्राइस है 100, जो मार्केट में उस टाइम ट्रेडेड चल रहा था 96, डिस्काउंट में चल रहा था। तो 96 में मैं टोटल इन्वेस्टमेंट खरीदा हूं 57,600, तो मैं नॉमिनल वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकूंगा। नाउ सवाल है, इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू क्यों चाहिए मुझे? बिकॉज मुझे इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो कॉस्ट के ऊपर नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू के ऊपर होता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी आपने पे किया है 87,000, मिसलेनियस रिसीट है 3,000, और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ₹60,000, ₹12,000 वर एंडोर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, सब्सिक्वेंटली 2,400 डिसऑनर्ड हुआ है। तो फर्स्ट लाइन में तीन इंफॉर्मेशन है, कितना बिल ड्रॉ किया है, कितना एंडोर्स किया है और कितना डिसऑनर हुआ है। मतलब तीन एंट्री हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। फर्स्ट बिल ड्रॉन 60,000, नंबर टू बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर एंडोर्समेंट का एंट्री, एंड नंबर थ्री डिसऑनर का एंट्री। ठीक है, तीन एंट्री हम लोगों को देना पड़ेगा। गुड्स कॉस्टिंग 5,400 वर यूज एज एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। गुड्स आर इनवेरिएबली सोल्ड टू शो अ प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, मतलब जीपी परसेंटेज बोल दिया है। डिफरेंस इन कैश बुक, अगर कैश बुक में कोई डिफरेंस होता है, इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बोल दिया है प्रोप्राइटर ने। प्रोविजन टू बी कैलकुलेटेड 2.5% ऑन डेटर्स। चलिए एक 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 तरीके से इंफॉर्मेशन लाते हैं।
डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 96,600। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 96,600। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीएफ बीएफ कितना? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 66,000। क्वेश्चन में बोल दिया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,51,000, तो बाय बैंक बैंक अकाउंट कलेक्शन कितना? 3,51,000। सर डिस्काउंट अलाउड फिगर डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली तो दिया है बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना? टू पॉइंट फाइव परसेंट। तो 3,51,000 रिप्रेजेंट कितना करता है? हम लोग इससे पहले भी ये किए थे, बोलो बेटा कितना रिप्रेजेंट करता है? 8,775। सर डिस्काउंट है 2.5 और रिसीव किया है कितना? 97.5। यस और नो? एग्री और डिसएग्री? एग्री सर। हाँ, आपने जो 3,51,000 रिप्रेजेंट किया है और 2.5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो 100 के ऊपर अगर 2.5% डिस्काउंट है तो एक्चुअली आपको मिला कितना है? 97.5 रिप्रेजेंट करता है 3,51,000। बाकी 2.5 डिस्काउंट अलाउड कितना होगा? तो 3,51,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 97 ओके। नाउ और क्या सर? बिल रिसीवेबल तो कुछ नहीं है, लेकिन बिल रिसीवेबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्या? ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ₹60,000। तो ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, तो बिल ड्रॉ किया है बाय बिल रिसीवेबल ड्रॉन कितना ड्रॉ किया है बेटा ड्यूरिंग द ईयर? 60,000। 60,000 बैड डेट बैड डेट कुछ नहीं है बाय बैलेंस सीएफ फिगर मिसिंग है। टू सेल्स ये भी मिसिंग है, नहीं दिया है, देखते हैं। क्रेडिटर्स में आते हैं टू बैंक कितना? पेड टू क्रेडिटर्स कितना? 2,35,200। 2,35,200 डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है, जो पैसा मिला है 2,35,200 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 2%। कितना?
बोलिए। टू लाख 35,200 इंटू, अगर ये डिस्काउंट है 2% तो एक्चुअली पेमेंट अपने क्या किया है था 98, कितना 98 आएगा? 4,800 4,800 4,800। कोई बिल्स पेबल है? नहीं सर, क्वेश्चन में बिल्स पेबल कुछ नहीं है। टू बैलेंस सीएफ, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? देखो ये बोल दिया है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 90,000, ओपनिंग था 66, क्लोजिंग है 90। देखो तो डिफरेंस क्या आएगा, बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर, कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज। कितना बेटा? टू लाख 35,200 प्लस टोटल थाउजेंड 30 एट हंड्रेड प्लस 90,000। हाँ बाबा, 3,30,000। अच्छा, ओ, नहीं सर, और एक पेमेंट हुआ है, आपने एक इंडोर और सर। पेमेंट किया है, बिल्स रिसीवेबल, यस और नो? एंडोर्स, जो बिल मिला था वो एंडोर्स हुआ था ना? एंडोर्स, बिल मिलने का जर्नल क्या है? बिल जब मिलता है जर्नल क्या है बोलो? बिल जब बिल रिसीवेबल ड्रॉ करते हो तो जर्नल क्या होता है? डेटर्स अकाउंट बिल्स डेबिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स, वेरी गुड, नॉट डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वही बिल जब दूसरे क्रेडिटर्स को एंडोर्स करते हो, मतलब ट्रांसफर करते हो, क्या होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेटर्स डेबिट टू अकाउंट बिल्स डेबिट, रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वेरी गुड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो यहां पर एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना 90,000, ओके, यस और नो? होल्ड 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 होल्ड, पहले मुझे जो मैंने किया है उसको कंप्लीट करने दो। बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन टू डेटर्स बोल के फिगर है। कितना डेटर्स ड्रॉ किया है? कितना बेटा? सर ड्रॉ किया है बोल दिया है क्वेश्चन में, जो डेटर्स में लिखा था। देखो बिल रिसीवेबल ड्रॉन 60,000, एंडोर्स किया है, कहां पर एंडोर्स किया है? बाई क्रेडिटर्स। कितना एंडोर्स किया है? हाउ मच एंडोर्स किया है? 12,000 एंडोर्स किया है। डिसऑनर हुआ है कितना? डिसऑनर का एंट्री क्या होगा? अगर एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है, मतलब जो बिल ट्रांसफर किया है वो अगर डिसऑनर हो जाता है तो इफेक्ट क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। नो नो नो, बिल रिसीवेबल तो आपके पास है ही नहीं, आपने तो ट्रांसफर करके क्रेडिटर्स को दे दिया है। डेटर्स सर अकाउंट डेटर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट डेटर्स भी बढ़ेगा टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल टू क्रेडिटर्स, डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल कितना बेटा? 12,000 सर। डिसऑनर नो नो नो, 12,000 ट्रांसफर किया है, डिसऑनर हुआ है 2,400, तो क्रेडिटर्स में भी सर बढ़ेगा, यस, बाई डिसऑनर, डेटर्स, एंडोर्स बिल, बिल डिसऑनर कितना? 2,400। एग्री?
तो बिल रिसीवेबल एंडोर्स 12,000। तो और तो कुछ नहीं है, क्रेडिट परचेस निकल जाएगा। कितना क्रेडिट परचेस हुआ है? 2,73,600। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। -66 -2,400 2,73,600 दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? नाउ बिल रिसीवेबल करना पड़ेगा। आपको बिल मिला था 60,000, आपने एंडोर्स किया है 12,000 बाई बैंक, डिस्काउंट किया है आपने, डिस्काउंट कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग करने से आपको कलेक्शन हुआ है कितना? बैंक आपको कितना पेमेंट किया है? सर बैंक पेमेंट किया है बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड 36,750 डिस्काउंटिंग चार्जेस, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना? 36,750 बैंक से मिला है आफ्टर अलाउिंग 2% डिस्काउंट, आफ्टर अलाउिंग 2% डिस्काउंट। तो मिला कितना है बैंक से? 98। सो 2/98 कितना होता है? 750। चलो जी, डन। यस सर। उसके बाद बिल रिसीवेबल का तो और कुछ नहीं है सर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है उसका एंट्री होगा। अरे बिल आपके पास थोड़ी था, आपने 12,000 बिल तो क्रेडिटर्स को दे दिया था, तो आपके पास था ही नहीं। आपके पास जितना था उसके भीतर कुछ आपने डिस्काउंटिंग किया है और बाकी बैलेंस बचा रहेगा। बैलेंस सीएफ कितना? 10,500। श्योर? कोई और एक चेक करके बोलना। यस सर, 10,500। 10,500 चलो सर, टोटल 60,000 होगा। हाँ सॉरी सर, देन मेरा बिल रिसीवेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स तो नहीं हुआ, कैसे होगा? क्लोजिंग फिगर भी मिसिंग है, क्रेडिट सेल भी मिसिंग है। अच्छा जीपी परसेंटेज दे दिया है, बोलो तो क्या काम पे आएगा? सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों बोल दिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिसिंग रहेगा? सेल्स। वहां से ये फिगर आ जाएगा। चलो जी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, फिगर कोई बोल सकोगे? ओपनिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को दे दिया था पहले फर्स्ट दिन ही। यस सर, 48,000। 48,000 सर। 48,000। परचेस कितना बोल सकोगे? 2,73,600। 2,73,600 ना 600 सर, कोई कैश सेल्स नहीं है, पूरा ही क्रेडिट सेल। 600 सर। 2,70,600 डन बाय। अच्छा टू फ्रेट इनवर्ड, दैट इज कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग में आता है, यस और नो? फ्रेट इनवर्ड 18,000। स्टूडेंट इसको गलती से पीएल में डाल देगा, वो देखेगा नहीं फ्रेट इनवर्ड है 18,000, पूरा गलत हो जाएगा आंसर। फ्रेट आउटवर्ड बोलता तो पीएल में जाता। बाई सेल, बाई अभी क्लासे आछि, क्लास से बेरी अपना के फोन करछि। बाई सेल्स यहां पर वही बैलेंसिंग फिगर होगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना?
42,000। एग्री? Forty-2,000. देन सर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, सेल्स का तो फिगर नहीं है सर. देन कॉस्ट के ऊपर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक 48,000 एट परचेज. कितना परचेज? 273,600 एट फ्रेट इनवर्ड 18,000। 18,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना? 42,000। 42,000. तो क्या फिगर आएगा बोल सकते हो? यस सर। 2,97,600 5,95,200 तो जो फिगर आया है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कितना बेटा? 2,97,600 2,97,600 एड ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर? सर 50% ऑन कॉस्ट बच गया, बोल ही दिया है. 50% इंटू 2,97,600 कितना बच्चों? 1,48,800 2,97,600 इंटू 50% 1,48,800 सेल्स कितना? 4,46,400 यस सर। चलो 1,48,800 1,48,800 सेल्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा दैट इज 4,46,400 डन. यस सर. यस सर. चलो तो कितना आया? 4,46,400 प्लस 42,000 टोटल 4,88,400. डन. यस सर. यस सर. 88,400 आ जाओ. तो सेल्स आपका फिगर कितना आया? 4,46,400. तो आ जाओ डेटर्स में आ जाओ. 4,46,400 ये क्रेडिट सेल का इंफॉर्मेशन. वर्किंग नोट नंबर कहां से मिला? फाइव ना फोर? फोर वर्किंग नोट फोर से मिला है. हाँ तो रेफरेंस के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है. तो बोलो बैलेंस कितना होगा? ₹96,600 प्लस 4,46,400 प्लस 2,400 5,45,400 400 माइनस 3,51,000 माइनस 9,000 माइनस 60,000 1,25,400
125,400. Yes, sir. 545,400. और कुछ है? ओ हो, जस्ट आंख से निकल गया, गलती कर ली है, जस्ट आंख से थोड़ा स्लाइटली निकल गया. गुड्स कॉस्टिंग 5,400 वर यूज्ड एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, यस और नो? यस सर. तो क्या इट इज अ पास्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? नो. यस सर. नो, ये गुड्स सोल्ड थोड़ी हो रहा है तो पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया. तो लिया तो परचेस से है ना सर. हाँ, तो परचेस से लेस करना पड़ेगा ना. तो जल्दी जल्दी कर दे. कितना? 273,600 लेस सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट. कितना? 5,400. 268,200. 268,200. ओके, देन सर परचेस का फिगर चेंज हो जाएगा. टू लाख 68,200 टोटल क्या होगा? सर 2,38,000 लिख दिए सर. 2,38,000 लिख दिए. ओ 48,000 प्लस 2,68,200 प्लस 18,000 माइनस 42,000 2,92,200. यस सर. 2,92,200 into 50% 1,46,100. Sales क्या होगा? 4,38,300. Yes sir. Yes or no? Yes sir. 4,38,300. आजा 4,38,300 होगा. ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1,46,100. टोटल होगा 4,83,000. 80,300 सर. 4,80,300 देख ले. ठीक है. मेमोरेंडम ट्रेडिंग हुआ, बिल रिसीवेबल हुआ, डेटर्स का फिगर चेंज होगा बिकॉज सेल्स का फिगर कितना हो गया? 4,38,300. यस सर. 4,38,300. बोलो बैलेंस कितना होगा? टोटल होगा 5,36,700. बोलो सीएफ कितना? बोलो सर टोटल 5,37,700 हो रहा है. अच्छा 37,700 कैसे हो रहा है बोलो तो? सर 37,300 हो रहा है. 300 हो रहा है बाबा, तुम लोगों को ऊपर तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ. प्लस 4,38,300 प्लस 2,400 4,37,300. डेटर्स का फिगर 3,51,000 माइनस 9,000 माइनस
1,17,300 1,17,300 एग्री? यस सर। तो डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग हो गया, कैश एंड बैंक टू, अच्छा कैश बैंक हाँ ठीक है कर ही सकता हूं, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैश का कितना बैलेंस है 7,200 क्या क्या है, टू डेटर्स, टू बिल रिसीवेबल बाय क्रेडिटर्स, डेटर्स से कितना कलेक्शन हुआ है 3,51,000 बिल रिसीवेबल डिस्काउंट से कितना आया है 36,750 क्रेडिटर्स से कितना मिला आपको, आपने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को 235,200 चलो ये तो याद था दे दिया। अब रिसीव हो गया, ये हो गया, तीन हो गया, फ्रेट इनवर्ड 18 ड्राइंग्स 42 फ्रेट इनवर्ड 18 बाय फ्रेट इनवर्ड बाय ड्राइंग्स 18,000 42,000 और फर्नीचर परचेस 6,000 बाय फर्नीचर कितना 6,000 सर 6,000 एक्सपेंसेस 92 ना कितना 87 एक्सपेंसेस 87,000 एक्सपेंसेस 87,000 बाय एक्सपेंसेस बाय 4% इन्वेस्टमेंट, नाम ही है 4% क्यों, बिकॉज वो इंडिकेट करता है उससे इंटरेस्ट मिलेगा 4% कितना 57,600 57,600 Miscellaneous receipt to miscellaneous receipt kitna 3,000 3,000 aur kuch closing balance chhod ke difference to jo aayega dekha jayega closing aur to sir kuch nahi hai बिल रिसीवेबल फ्रेट ड्रॉइंग्स फर्नीचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस दे दिया है, क्लोजिंग बैलेंस कितना 3,750 क्लोजिंग बैलेंस 3,750 3,750 बाय बैलेंस सीएफ बोलिए टोटल 2,35,200 प्लस 18,000 प्लस 42,000 प्लस 6,000 प्लस 87,000 प्लस 57,600 प्लस 3,750
4,49,550 डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा बोल ही दिया है. अगर डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में तो कैपिटल इंस्ट्रक्शन और क्रेडिट साइड में होगा तो ड्रॉइंग्स. तो कैपिटल फर्दर इंट्रोडक्शन. बैलेंसिंग फिगर कितना 51,600. सब एग्री और डिसएग्री? यस सर एग्री. यस सर. एग्री? यस सर. यस सर. अब फर्नीचर का टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना 36,000 और क्लोजिंग बैलेंस 38,100. ओके 36 ओपनिंग. यस और नो? बाय बैलेंस पीएफ सर 36,000 है सर. 36,000 होगा सर. तो ये क्या है 38,100? यस सर. यस सर. एक फर्नीचर परचेज भी हुआ था टू बैंक 6,000. यस और नो? नाउ ये आया है 42,000. मुझे बताइए तो टैली नहीं कर रहा है सर. क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 38,100. ये तो डेफिसिट आ रहा है. कुछ ना कुछ तो बैठेगा सर. आप बोलेंगे सर सेल हो गया होगा. मेरा स्ट्रेट वे में आंसर होगा कैसे सेल हो सकता है. कैसे सेल हो सकता है? क्यों? क्या फर्ज है सर? सेल होता तो सर कैश ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट तो करता ना. दूसरा सर क्वेश्चन में एसेट है तो उसका डिप्रिसिएशन तो होना चाहिए. देखिए यहाँ पर फर्नीचर का कोई डिप्रिसिएशन रेट नहीं बोला है. इसका मतलब है जो फिगर है वो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही फिगर है. यस यस सर. चलो बाय बाय बेटा. ये लोग है तू नहीं है. जा डिप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या है? 3,900. क्लियर और नॉट? यस सर. यस सर. दैट इज बैलेंसिंग फिगर. राइट? यस सर. नाउ एक्सपेंसेस अकाउंट देखिए. वहां पर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दोनों ही दे दिया और आप लोग तो हैंडल करना सीख चुके हैं. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12,000 एंड ओपनिंग प्रीपेड 3,600. तो ओपनिंग का जर्नल क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट. कारण क्या है? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी था सर. तो इस साल कैंसिल करेंगे तो डेबिट हो जाएगा. और इस साल का एक्सपेंस सर ये इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है तो इस साल का एक्सपेंसेस अकाउंट से कैंसिल करेंगे. यस सर. डन? यस सर. यस सर. यस सर. प्रीपेड का ओपनिंग प्रीपेड का जर्नल क्या है? Expenses account debited to prepaid. Expenses account debit 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 to prepaid.
3600 कितना पेमेंट किया है टू बैंक में? एक्सपेंसेस पेड 87,000। आपको कहां से फिगर मिला सर? अरे आजा बैंक में देख, एक्सपेंसेस 87,000। यस और नो? यस सर। आ जाओ, कर क्या रहा हूं? एक्सपेंसेस क्लोजिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड कितना है? 10,800 and 3750। यस और नो? 10,800 and 3750। चलो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना बोले गलम बाई प्रीपेड एक्सपेंसेस? वाई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,800 एंड प्रीपेड 3750। तो डिफरेंस क्या आएगा? By incurred. PL account, जो सिखाया है वो अगर याद रख के जा सकते हो ना चर्चा करके, अरे जिंदगी भर नहीं भूलोगे कॉलेज को। एक्सपेंसेस इनकर्ड हर जगह काम में आएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना टोटल करो? 3600 प्लस 87,000 प्लस 10,800 1,01,400। आई थिंक ये अकाउंट लेके किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हम लोग फुल करा के रखे थे। यस सर। कितना आएगा? 85,650। एक बात याद रखना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग रहता है वो चाहे प्रीपेड रहे बा आउटस्टैंडिंग रहे, तभी आप लोग अकाउंट ओपन कर देना। अगर मान लीजिए कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो आउटस्टैंडिंग का फिगर मत लिखिए, प्रीपेड का फिगर लिखिए। लेकिन हाँ, सिर्फ क्लोजिंग का फिगर रहता है तो आप लोग एडलेस करके कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग रहेगा तो आपके लिए थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा। डन? यस। सर क्लोजिंग प्रीपेड सर कुछ और है सर? जा क्लोजिंग प्रीपेड 4,200। पूरा उल्टा बोल दिया पाप। ठीक है, हो ही सकता है। नो नो नो, पाप पाप नहीं है, तुम लोग बहुत मेहनत करते हो। 12,000 माइनस 4,200 85,200। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा, 200 बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हो, एटलीस्ट हम तो जानते हैं। नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट इनकम मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज 1719 में इंटरेस्ट लिया है तो 6 महीने का तो इंटरेस्ट अक्रूड है, मिला नहीं है, लेकिन अक्रूड तो है बेटा, ड्यू तो हो चुका है। अच्छा बोलो तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग? सर आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग तो बाकी है सर देना, अक्रूड भी तो बाकी है सर। सर वो मिलना बाकी है, अक्रूड मतलब ना, accrued मतलब जमा हो रहा है, outstanding मतलब जमा हो चुका है, अब legally liable है payment करने के लिए। मेरा salary साल month के अंत में मिलता है, लेकिन during the period मेरा salary जमा होता है, जिसके बाद में month के end में मुझे salary मिलता है। तो during the period जो हो रहा है that is accrued, जब वो legally liable होगा payment करने के लिए that is outstanding। ओके यस सर।
यस सर। तो accrued interest on investment, चलो cost of investment, cost of investment कितना, cost of investment कितना बेटा, 57,600 ब्रैकेट में परचेज्ड एट 96, इसका मतलब है 96% में जो ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू है उससे 4% डिस्काउंट में खरीदा है। तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउ मच, रुपीज 100 ईच, क्या होगा 57,600 into 100 by 96, yes or no? तो 96 में खरीदता हूं तो 57,600 होता है, तो 100 में कितना होगा, 60,000 सर, 60,000 done, accrued, yes sir, accrued interest on investment मतलब जमा हुआ है कितना, 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट होगा इंटू 4% इंटू 6/12 कितना, 1200 agree, journal yes, क्या sir. है accrued interest on investment account debit to interest on investment, clear, yes sir, yes sir, अगर journal wise देखना चाहते हो तो accrued interest on investment account debit to investment done, yes sir, yes sir, sir वो एक बार वापस समझा दीजिए sir, yes why not, आपने मार्केट से इन्वेस्टमेंट खरीदा है जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, आपको पता है वो 96 में खरीदा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा सर 100 कहां पर लिखा है, इन्वेस्टमेंट जब परचेस करते हो ये नियर अबाउट मान के चलते हैं उसका फेस वैल्यू 96 है, और एट 96 का मतलब होता है 96%, तो 100 का परसेंट का वैल्यू क्या होगा, 96% मतलब फेस वैल्यू अगर 100% है तो 96 में मार्केट में भाव चल रहा है, तो आपने 96 में ही खरीदा होगा, लेकिन आपको तो इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मिलेगा, खरीदा है 96% में लेकिन इंटरेस्ट तो मिलेगा आपको नॉमिनल वैल्यू में, तो नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा, 100% yes, 963,000 into 57,000 into 100 by 96, clear, yes sir, अब ठीक है बेटा, yes sir, चलो तो नॉमिनल वैल्यू 60 हो गया, तब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो 57,600 के ऊपर नहीं हो सकता, वो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलता है नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 60,000 के ऊपर 4% into 6/12, clear, yes sir, yes sir, purchase are 96 on 1/7/19 on 1/7/19 clear, चलिए ओपनिंग कैपिटल करते हैं, क्या क्या दिया है, फर्नीचर एकदम एसेट का स्टेटमेंट देखिए वहां से कॉपी मारो, फर्नीचर 36,000, स्टॉक 48,000, डेटर्स 96,600, डेटर्स 96,600, तुम लोग थोड़ा हेल्प करना मुझे,
96,600 प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,600 कैश इन हैंड एंड बैंक 7,200 चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 66,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 कैपिटल का फिगर आएगा टोटल करो one lakh ninety one thousand four hundred. चलिए आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट देखिए ट्रेडिंग करना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैं ट्रेडिंग कर चुका हूं तो मैं देख के कॉपी कर ही सकता हूं ऊपर में मेमोरेंडम ट्रेडिंग किया था ना यस सर तो सेम रिपीटेशन होगा तो वहां पर नाम मेमोरेंडम था बिकॉज हम लोग वहां से सेल्स का फिगर बैलेंसिंग निकालना चाहते थे दैट्स वाई अब तो सब निकल गया है तो उसको ही मैं लिख दूंगा चलिए मिसलेनियस रिसीट कितना है 3,000 डिस्काउंट रिसीट कितना है क्रेडिटर्स का अकाउंट आइए 4,800 इंटरेस्ट इनकम कितना है 1,200 यस और नो क्लियर मिसलेनियस इनकम डिस्काउंट रिसीव एंड इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज आ जाओ 85,200 डिस्काउंट अलाउड 9,000 डिस्काउंटिंग चार्ज 750 व्हील डिस्काउंट किया था 750 डेप्रिसिएशन चलो 3,900 एडवर्टाइजमेंट 5,400 प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना 2.5% इनटू डेटर्स कितना है बेटा डेटर्स का फिगर है सर क्लोजिंग डेटर्स जो मिसिंग था 1,17,300 इसको हम लोग क्या करेंगे बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे 1,17,300 चलो आ जाओ कितना आएगा बोलो 2,933 एग्री तो नेट प्रॉफिट कितना yes. आएगा नेट प्रॉफिट करो टोटल 1,55,100 यस सर नेट यस सर 47,917 कैपिटल कितना बेटा ओपनिंग कैपिटल वो तो नहीं दिया था हम लोगों ने वर्किंग में किया था दैट इज हाउ मच 1,13,400 इंट्रोडक्शन कितना कैश बुक में मिसिंग इंफॉर्मेशन था 51,600 नेट प्रॉफिट कितना है 47,917 ड्राइंग्स कितना है देखो क्वेश्चन में ड्राइंग्स बोल दिया था 42 आई थिंक हाँ यस सर तो ड्रॉइंग्स लिखो 42
आएगा? 1,70,917. 1,70,917. क्रेडिटर्स कितना? क्लोजिंग क्रेडिटर्स 90,000. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,800. यस सर. एसेट कितना? फर्नीचर 38,100. इन्वेस्टमेंट कितना? इन्वेस्टमेंट 57,600. लेकिन ब्रैकेट में लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनल वैल्यू 60,000, वो लिखना ही पड़ेगा. एक्रूड इंटरेस्ट 1,200. स्टॉक, अच्छा बाय द वे एक्रूड इंटरेस्ट यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा. एक्रूड पेड लास्ट में आता है, कैश एट बैंक के बाद. स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक 48 ना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 42. डेटर्स कितना? डेटर्स कितना बेटा? 1,17,300. Less provision 2,933. तो बोलो नेट कितना होगा? 1,14,367. 1,14,367. Yes or no? Yes, sir. Bill receivable. देखो endorse करने के बाद, discount करने के बाद भी कुछ bill बचा हुआ था. कम बट था. 10,500. Bill receivable account. 10,500. ये कहां से मिला? Note 3. Cash at bank and cash in hand. कितना? कैश एंड 3,750. सॉरी 3,750. प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 4,200. टोटल करो 2,71,717. टैली किया? यस सर. प्रॉब्लम में बहुत कुछ था, इसमें सबसे ज्यादा था एक्सपेंसेस पार्ट जो मैंने लास्ट में करा दिया, दूसरा था फर्नीचर पार्ट, तीसरा बिल रिसीवेबल, चौथा मेमोरेंडम ट्रेडिंग जहां पर फ्रेट इनवर्ड आएगा. आप लोग गलती से अगर पीएल में लिख देंगे तो बर्बाद हो सकता है. इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा चीज यहां पर है. एईआर में ही आया था क्वेश्चन, ठीक है? यस सर. यस सर. डन.